माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लासेस, दिस इज विद्या। सो आज की क्लास में हम कुछ अलग देखेंगे। क्या देखेंगे आज की क्लास में? हम स्पीच देखेंगे इंडिपेंडेंस डे पे, ठीक है। मैंने इंग्लिश में स्पीच लिया है, लेकिन मैं आपको इसे एक्सप्लेन करके बताऊंगी, ठीक है। सो डेट, अगर आप एक बार मगअप इट मीन्स अगर आप इसको लर्न कर लेते हो और भूल जाते हो कि इसकी बात कौन सी लाइन थी, अगर मैं आपको हिंदी में समझा दूंगी तो आप उसके बाद अपने से इंग्लिश में जोड़ के बोल सकते हो, ठीक है। तो लर्न करना अच्छी बात, लेकिन उसको समझ के लर्न करना इट इज मोर बेटर, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ये ओपनिंग लाइन है, ठीक है। जैसे आप अगर स्टेज पे जाते हो स्पीच देने, तो आप बोलोगे पहले, गुड मॉर्निंग ऑनरेबल चीफ गेस्ट, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माई डियर फ्रेंड्स। अगर आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आपको ये लाइन तो बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। अगर कोई चीफ गेस्ट आए हैं तो आपको ऑनरेबल उन्हें बोलना पड़ेगा। कैसे बोलेंगे? गुड मॉर्निंग ऑनरेबल चीफ गेस्ट, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, टीचर्स एंड माई डियर फ्रेंड्स, ठीक है। इतना हो गया। फिर नेक्स्ट बोलोगे, टुडे आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू टू डिलीवर अ शॉर्ट स्पीच ऑन इंडिपेंडेंस डे। आज मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ एक छोटा सा स्पीच देने के लिए ऑन इंडिपेंडेंस डे। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ने से पहले, आई वुड लाइक टू विश यू ऑल हु आर प्रेजेंट हियर अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं सबको इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ या फिर देता हूँ, ठीक है। ये ओपनिंग लाइन से आपको, आपने कैसा भी स्पीच तैयार किया है, लेकिन आपको ये लाइन नहीं भूलनी है, क्लियर। आपको स्टार्टिंग में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कह देना है। चलिए नेक्स्ट, वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे एज द नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया। हमारा जो इंडिपेंडेंस डे है, हम इसे एक राष्ट्रीय पर्व के तौर पे मनाते हैं भारत में ना। देखिए यहाँ पे लिखा है नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया। हम इंडिपेंडेंस डे को एक राष्ट्रीय पर्व की तरह मनाते हैं। आगे, फर्दरमोर आगे, इट इज़ द मोस्ट ऑस्पिशियस डे फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। ये इस दिन जो इंडिपेंडेंस डे है, ये बहुत शुभ दिन माना जाता है। किस लिए? फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों के लिए। बिकॉज इंडिया बिकम्स इंडिपेंडेंस, हमारा भारत आज़ाद हुआ था आफ्टर लॉट्स ऑफ हार्डशिप एंड सेक्रीफाइसेस, बहुत सारे कठिनाइयों के बाद एंड बहुत सारे बलिदानों के बाद, ठीक है, ऑफ द ब्रेव इंडियन फ्रीडम फाइटर्स, ठीक है। बहुत सारा जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस हो गए, भगत सिंह हो गए, महात्मा गांधी हो गए, लाला राज, तो मतलब अगर आप फ्रीडम फाइटर्स गिनती गिनाएंगे तो आपको कम पड़ जाएंगे, ठीक है। इतने सारे हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने में, क्लियर। नेक्स्ट, आफ्टर द इंडिपेंडेंस पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज चूजन एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला 15 अगस्त 1947 में, अब इंडिया को रन कराने के लिए किसी की तो जरूरत पड़ेगी, तो जवाहरलाल नेहरू को हमने फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर के तौर पे चुन लिया। मोर एवर ही अनफर्ल्ड अवर ट्राइकलर फ्लैग एट द रेड फोर्ट इन द नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली फॉर द फर्स्ट टाइम। उसी टाइम पे हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने न्यू दिल्ली में रेड फोर्ट पे अपना तिरंगा फहराया। अनफोल्डेड मतलब तिरंगा को फहराना, ठीक है। न्यू दिल्ली फॉर द फर्स्ट टाइम, वहीं से हमने झंडा फहराना देखा। नेक्स्ट, फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स, वहीं से एवरी ईयर वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे एट रेड फोर्ट न्यू दिल्ली। वहीं से जब से प्राइम मिनिस्टर ने झंडा फहराया, तब से हम वहाँ पे भी रेड फोर्ट में तिरंगा को फहराना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट, इन एडिशन वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे टू रिमेंबर द लाइफ दैट वी सेक्रीफाइस टू गेन दिस फ्रीडम। हम इसलिए इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं कि हम उस दिन को याद कर सकें कि कैसे हमें फ्रीडम मिली फ्रॉम द ब्रिटिशर्स और फ्रॉम द वाइट्स,
क्लियर. वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन अ वास्ट स्केल इन आवर कंट्री. अब भाई इंडिपेंडेंस डे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डे है, तो ये हम काफ़ी बड़े लार्ज स्केल मतलब काफ़ी बड़े पैमाने पे इंडिपेंडेंस डे को मनाया जाता है पूरे कंट्री में, इंडिया की बात है, ठीक है. ऑल्सो एवरी गवर्नमेंट बिल्डिंग इज डेकोरेट विद द ट्राई कलर लाइट्स दैट ऑरेंज वाइट एंड ग्रीन. हालांकि ऑरेंज नहीं सैफ्रॉन होता लगभग, ठीक है. वाइट एंड ग्रीन जस्ट लाइक द नेशनल फ्लैग, जैसे हमारा नेशनल राष्ट्रीय झंडा है. जो हमारे कंट्री में इस दिन क्या होता है, जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती, प्राइवेट बिल्डिंग्स ऐसी बात नहीं है, उस दिन बिल्डिंग को काफ़ी अच्छा सजाया जाता है. किन किन रंगों से? ऑरेंज वाइट एंड ग्रीन, जैसे कि हमारे राष्ट्रीय झंडे का कलर होता है वैसे ही सजाते हैं. और कितने कल्चरल प्रोग्राम्स भी होते हैं, ठीक है. स्कूल्स में आप देख लेंगे कितने डांस होते हैं जो हमारे प्रमोट्स करते हैं ट्रेडिशनल को, कल्चर को, ठीक है. नेक्स्ट, फर्दरमोर द स्कूल्स एंड कॉलेजेस ऑर्गेनाइज वेरियस फंक्शंस टू सेलिब्रेट आवर इंडिपेंडेंस डे. स्कूल एंड कॉलेजेस तो ऑर्गेनाइज करते हैं वेरियस फंक्शंस, डांस हो गया, म्यूजिक हो गया, सिंगिंग हो गया, स्पीच हो गया, ये सब हमें प्रोत्साहित करता है, ठीक है, कि हमें आगे चल के किसी मतलब हमें आगे चल के फ्रीडम में रहना है, ठीक है, किसी के दबाव में नहीं रहना है. नेक्स्ट, इन स्कूल एंड कॉलेजेस स्टूडेंट्स गिव सोलो एंड ड्यूट परफॉर्मेंस ऑफ द पेट्रियोटिक सॉन्ग्स. दिस सॉन्ग्स फिल द हार्ट्स विद अ फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म एंड लव फॉर द कंट्री. स्कूल में जो सॉन्ग्स होते हैं, डांस होते हैं, वो पेट्रियोटिक देशभक्ति गीत होते हैं, ठीक है. वो हमें एक तरफ से एक फील, एक एनर्जी लाता है कि हम एक देशभक्त हैं, हमारे अंदर देशभक्ति है. क्लियर. नेक्स्ट, इन स्कूल एंड कॉलेजेस स्टूडेंट्स गिव सोलो एंड रिपीटेड लाइन है, इतना था, ठीक है. तो जो सॉन्ग अगर आप हम देशभक्ति सॉन्ग सुनते, गीत सुनते, हमें अलग से एनर्जी आती है, को आप कह सकते हो अच्छा लगता है, उन सॉन्ग सुन के एक देशभक्ति की भावना जागृत होती है, ठीक है. इसीलिए स्कूल में डांस, म्यूजिक, स्पीचेस होते हैं, जो कि मान लो कोई अवेयर नहीं है इस चीज़ से, तो वो भी अवेयर हो जाए कि हमारा कंट्री आफ्टर लॉट्स ऑफ सेक्रीफाइस वी गॉट फ्रीडम. लगभग ब्रिटिश ने 200 सालों तक अपने इंडिया पे राज किया था, ठीक है. तो ये था हमारा कुछ, हमारा फ्यू लाइंस थे ऑन इंडिपेंडेंस डे. अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा. अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. एंड आपको स्पीच देने के बाद लास्ट में जय हिंद जय भारत कहना होगा, ठीक है. सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग.